मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन से बड़ा सत्संगी था। मेरे गांव में भागवत होती थी, मैं सबसे आगे बैठ जाता था, नया कपड़ा पहन के स्नान करके शुरू से। माता जी कहती थी, तुम खुद भागवत सुनाओगे क्या, रोज वहां बैठ जाते। मैंने कहा, मैं भागवत के ऊपर भागवत सुना दूंगा, बस बड़ा होने तो साधु बनूंगा, खूब सुनाऊंगा भागवत। बड़ा हुआ, साधु हुआ और सुनाना शुरू किया तो माता जी कहती थी, तुम तो भागवत से भी और अच्छा सुनाते हो, अजीब अजीब सुनाते हो। हमने कहा, अजीब सुना दूंगा और लोगों को गजब कर दूंगा। और मुझे साधु भी हमारी माता जी ने बना दिया, बोले तुम साधु बनो, सबका कल्याण कर दो, घर में मत रहो, भाग जाओ घर छोड़कर जल्दी, यहां कभी मत आना। ऐसा माता जी ने, माताओं से इसलिए सुना रहा हूं, तुम भी अपने लड़के को भगाओ, साधु बनाओ, मेरे साथ भेजो। और माता जी बहुत खुश हुई, हम साधु बन गए। उसने कहा, मेरी इच्छा थी मेरा एक बालक प्रचंड संत बने, देश दुनिया के अंदर जाकर सत्संग करे और सबको सुख शांति दे। हर बेटा केवल अपने माँ की सेवा कर पाता है, लेकिन तुम ऐसे बेटा बनो कि दुनिया की करोड़ों माताओं की सेवा करो और करोड़ों पिताओं की सेवा करो। और ये सब दुनिया की सभी माताएं बहनें, ये सभी पिता के समान लोग, भाई के समान लोग, ये सब मिलके मेरी सेवा करते हैं। मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, बड़ा स्वर्ग में हूँ, बहुत आनंद है। अभी जिनके मकान में ठहरा हूँ, भूमिपति नाम है, क्या नाम है, चंदेश्वर मंडल, कितना अच्छा मकान बनाया उन्होंने। खड़े हो ना चंदेश्वर मंडल, ये देखो चंदेश्वर मंडल, और शाम तक देंगे हमको एक कमंडल। देंगे ना, अब कमंडल देना पड़ेगा, मंडल ना होते तो कमंडल ना लेते। अब उन्होंने घर बनाया 10 लाख की कीमत का, कितना ईंटा लाए, सीमेंट लाए, छण लाए, बालू लाए, और मेरे को पता भी नहीं कब बनाया, कैसे बनाया, कितनी मेहनत किया। और मैं उनके घर में 4 दिनों से ऐसे ठाट से रह रहा हूं जैसे कोई महाराजा किले में रह रहा है, ऐसी मेरी रक्षा कर रहे हैं। कमरे में जाता हूँ, देखता हूँ तो अंगूर फल रखा है, संतरा भी रखा है, सेब रखा है, अनार रखा है, केला भी है, खीरा भी है, सब देखता हूँ। फिर सोचता हूँ गाजर भी है, तो कभी कभी रात में भी चुपके से खा लेता हूँ। जब भूख लगती तो खा लेता हूँ, 4 अंगुल तोड़ के धोकर खा लिया, काम हो गया। पर अभी ठंडी का महीना है इसलिए रात में नहीं खाता हूँ, ताकि सर्दी ना हो, सुबह खाता हूं। दूध जब चाहिए वो दूध लेकर आ जाते हैं, माताएं बहनें सब सामान ले आती हैं, पुरुष बंधु सब कुछ, कोई कपड़ा ले आता मेरे लिए, और कोई कहता है कपड़ा मुझे पता नहीं था तो मैं अगली बार ले आऊंगा, लिख दीजिए कितना कपड़ा पहनते हो अच्छा से। तो मैं तो सोचता हूं मैं संत बन गया, एक माता पिता छूट गए तो करोड़ों माता पिता मिल गए, और एक भाई छूट गया तो लाखों करोड़ों भाई मिल गए, और एक परिवार छूट गया तो करोड़ों परिवार मिल गए, एक गांव छूट गया तो लाखों गांव मिल गए।